नमस्कार दोस्तों, मौसम ताज़ा समाचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मौसम विभाग को लेकर अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक नया चक्रवाती तूफान उठा है जिसकी वजह से 16 राज्यों में ताबड़तोड़ मूसलाधार बारिश के साथ ओलावृष्टि और तेज अंधड़ चलने की चेतावनी जारी की गई है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कौन कौन से राज्यों में भारी बारिश होगी, कहाँ पर ओलावृष्टि और कहाँ पर तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी। आज के लिए मौसम विभाग के द्वारा उत्तर प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है तथा प्राइवेट मौसम निगरानी एजेंसी स्काईमेट ने कहा है कि लगभग पूरे भारत में आज से और 23 मार्च के बीच प्री मानसून की जो बारिश है वो होने वाली है। ये बारिश देश भर में प्रचलित सामान्य से ज़्यादा गर्मी की स्थिति को नीचे लाएगी। आगामी बारिश राजस्थान और गुजरात में फसल के लिए तैयार फसलों को नुकसान पहुँचा सकती है। स्काईमेट ने कहा है कि संभावित बारिश से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को फायदा होगा। ये जानकारी ऐसे समय आई है जब भारत में इस साल मार्च, अप्रैल और मई में सामान्य से ज़्यादा गर्म मौसम की आईएमडी ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में आने वाले महीनों में लू का सामना करना पड़ सकता है और वहीं तेज रफ्तार से आंधी झक्कड़ आने वाला है। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट ने कहा है कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और आसपास के इलाकों में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है और ट्रफ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक से उत्तर आंतरिक कर्नाटक में कोंकण तक फैली हुई है, जबकि एक और ट्रफ निचले स्तर पर झारखंड से तेलंगाना होते हुए छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ आज से पश्चिमी हिमालय तक पहुँचेगा। इस वजह से साथियों दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और साथियों सिक्किम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, दोस्तों ये ऐसे राज्य हैं जो हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। यहाँ पर भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज़ रफ्तार से हवाएं जिनकी गति लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने वाली है दोस्तों हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दोस्तों बता दें कि इस वक्त किसान भाइयों की जो सरसों की फसल है उसकी कटाई और कुटाई जबरदस्त तरीके से चल रही है। ऐसे में मौसम विभाग के द्वारा भी दोस्तों चेतावनी जारी की है तो किसान भाइयों को जो सरसों की फसल है उसको नुकसान हो सकता है क्योंकि खेतों में भी अभी सरसों की फसल पड़ी है और बार बार जो बादल हैं वो मंडरा रहे हैं। देश का एकमात्र चैनल है जिस पर मौसम से जुड़ी बिल्कुल लेटेस्ट और सटीक जानकारी आप तक अपडेट करवाई जाती है, इसलिए अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। साथ ही आप हमारी वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।